Swami, the truth is that it is very difficult to decide in some kind of situations. जैसे मुझे जिंदगी में आज तक इस चीज का आंसर नहीं मिल पाया कि अगर मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाए और दोनों को ही एक बोतल खून की जरूरत पड़े और मेरा भी ए बी नेगेटिव है, उन दोनों का भी ए बी नेगेटिव है और किसी और कहीं से ए बी नेगेटिव नहीं मिल पा रहा है, तो मैं अपने बाप को खून दूंगा या अपनी माँ को? आज तक नहीं समझ में आया मुझे। और क्यों दूंगा? दोनों में से एक ही की जान बचा सकता हूँ, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिंदगी में जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं आंसर करना, है ना? वो लॉजिक का प्रूफ डीमॉर्गन्स लॉ विदाउट डीमॉर्गन्स लॉ नहीं होता है, जो कहीं से देख लिया या पढ़ लिया, सीख लिया, आ गया। ये सवाल ऐसा है जो देख के, पढ़ के, सीख के भी नहीं समझ में आता है कि किसको खून दूंगा और क्यों दूंगा, है ना? किसकी जान बचाऊंगा और किसको मरने दूंगा, क्योंकि सब कुछ मेरे ही हाथ में है, एक की जान बचाना भी हाथ में है। हाँ, मैं ये बेवकूफी भी कर सकता हूँ कि दोनों को खून नहीं दूंगा, है ना? वो मेरे हिसाब से बेवकूफी है, लेकिन ये नहीं पता मुझे आज तक कि अपनी माँ को खून दूंगा या अपने बाप को, कि उनमें से किसकी जान बचाऊंगा। तो है, बड़े डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं जिंदगी में और इट इज सो डैम डिफिकल्ट टू आंसर दीज थिंग्स कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि आप सोच पा रहे हो, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज समझना कि कुछ सिचुएशंस में हम नहीं ढूंढ पाते हैं सही गलत, नहीं ढूंढ पाते हैं कि क्या करना चाहिए, है ना? दोज आर मिजरेबल कंडीशंस और मिजरेबल सिचुएशंस इन आर लाइफ, लेकिन कोई बात नहीं, सभी के लाइफ में होती है कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो टैकल करना है। और दैट इज ऑल अबाउट लाइफ एंड ऑल्सो अबाउट ह्यूमैनिटी, कि सीखना पड़ता है ये सारी चीजें। लेकिन हाँ, सिचुएशंस होती हैं और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस। एक मूवी बनी थी, चाइनीज मूवी थी वो, उसमें जो है अर्थक्वेक आता है और बहुत सारे गरीब सारे लोग जो है उसके नीचे दब जाते हैं, तो उसमें ऐसी माँ बड़े मुश्किल से बाहर निकलती है, बाप मर चुका होता है और उनकी दो बेटियां होती हैं, तो दो बेटी में से एक ही को रेस्क्यू टीम ऑपरेट करके बचा सकती है, दूसरी नहीं बचा पा रही। तो जब मम्मी से पूछते हैं तो वो पहले तो डिसाइड नहीं कर पाती है, फिर किसी तरीके से बोल देती है कि अच्छा मुझे मेरी बड़ी बेटी दे दो या छोटी बेटी दे दो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो रेस्क्यू टीम बड़ी बेटी को या छोटी बेटी को, जो भी उसकी मम्मी बोलती है, उसको बचा लेती है, दूसरी को मरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी मरती नहीं। लेकिन उसको ये पता था कि उसकी माँ ने उसको फेवर नहीं किया, वो जिंदगी भर इसी गम में रही कि मेरी मम्मी ने जो है, जब ऐसी बारी आई थी तो मेरी बड़ी दीदी को या मेरी छोटी बहन को चूज किया था रादर देन मुझे, और वो अल्टीमेटली वहां से निकल के उसको किसी दूसरी रेस्क्यू टीम बचा लेती है, वो जिंदा भी हो जाती है और फिर वो उसको उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। फिर वो वापस फिर जब आती है तो अपनी माँ को यही कहती है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि सब कुछ ठीक था, लेकिन आपने उसको क्यों चूज किया और मुझे क्यों? तो और उसकी माँ के पास भी उस चीज का कोई आंसर नहीं था, क्योंकि वो भी क्या ही करती, वो तो बोली रही थी कि दोनों बच्चों को बचा लो, लेकिन जब दोनों बच्चे नहीं बच सकती तो उन्होंने बोला कि बेवकूफी नहीं करेंगे, किसी एक को बचा लेते हैं। तो ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस, केसेस, सिचुएशंस होते हैं एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट गोज विद साइंस, दैट गोज विद एकेडमिक्स, दैट गोज विद प्रोफेशन, दैट गोज विद लाइफ, दैट गोज विद आई गेस एवरीथिंग। जब आप डिलेमा वाले सिचुएशन में होते हैं एंड इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू सी, लेकिन फिर वहीं कहीं पे साइंस की मिस्टिसिज्म भी आ जाती है कि करो जो भी करना है, हो जाएगा अगर होना होगा तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें रैंडम है। कुछ लोग उसको भगवान या डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, कुछ लोग उसको रैंडम कहते हैं, कुछ लोग उसको ये कहते हैं कि बस हो गया, मतलब है ना, समहाउ। तो और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो एकदम मैंने पूरी तरीके से कैलकुलेशन किया था और ऐसे किया था, वैसे किया था और हो गया, तो ऐसे भी सोचते हैं। तो है वो चीजें, बट क्या ही करना है ना, इट्स डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड एंड हैव आंसर्स टू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये हमेशा की एक प्रॉब्लम रही है, बट ठीक है, जितना आंसर मिल सकता है या जितना हम क्या बोलते हैं चीजों को बेटर तरीके से डील कर सकते हैं, वही कोशिश होनी चाहिए।